अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत हो गया आपका फौजिया की दुनिया में। तो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम सब भी ठीक है और खैरियत से है। गाइस, आज हम लोग जाने वाले मेरी अम्मी के घर पे, और मैं आज बनाने वाली हूँ हरी मिर्ची का भुना खीमा। बनाने वाली हूँ गाइस, आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसा बनाती हूँ, है ना। झटपट खीमा बनाने वाली हूँ हरी मिर्ची का मास, और उसके साथ रोटी बनाऊंगी गाइस। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको रेसिपी के साथ। ओके गाइस, मैं खीमा बना रही हूँ, सूखा खीमा। ये प्याज ली हूँ एक बड़ी साइज की, उसको लाल कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे पाव किलो खीमा ली हूँ, इसको अच्छे से धो ली हूँ, अच्छे से साफ कर ली हूँ। अब ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर गाइस। झटपट खीमा बनाने वाली हूँ। खुर मिर्ची में मिर्ची मैंने इसको चॉपर में चॉपिंग करी हूँ। अच्छे से कलर चेंज हुए तक अच्छे से भुनेंगे तेल में गाइस। ये जब तक हमारा खीमा हो रहा है, यहाँ पे हमारे मसाले बताती हूँ मैं। इसमें एक गड्डी लहसुन, आधी तबड़ा टुकड़ा अदरक का, और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से, और तीन टमाटर ली हूँ मैंने गाइस। हरी मिर्ची लहसुन को ये तो इसमें ये चॉपर में चॉपिंग करी हूँ, ये देखे बारीक एकदम। अभी इसमें डालूंगी मैं हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये डालूंगी गाइस। ये देखिए हमारा खीमा कैसा हो रहा है। देखिए गाइस, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से सब इसमें डाल दूंगी मैं। हम इसमें जाएंगे धनिया पाउडर, देखिए ये डेढ़ चम्मच डाली हो, ये छोटा चम्मच देखिए हल्दी का डाल दूंगी मैं। ये गरम मसाला पाउडर, ये देखिए जीरा पाउडर डालूंगी मैं। देखिए थोड़ा और गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ। यहाँ पे हमारा खीमा का पानी अच्छी तरह से छूट गया है, ये देखिए गाइस। इस तरह का खीमा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। गाइस, खीमे का कलर चेंज हो गया है। यह हमारा मसाला इसमें डाल देंगे, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह खीमा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, या दाल चावल बनाने का, और इसको सूखा बना के इंजॉय करें गाइस, है ना। और इसको अच्छे से हिला लेंगे, और ये स्लो पे पकने छोड़ देंगे, फिर बीच बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे गाय। चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। देखिए गाइस, हमारा खीमा हो गया है, अभी दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है ना, माशाल्लाह। बस इसी तरह से हमें पकाना था। अब
इसमें डाल देंगे हम खोपनी। हमारा झटपट खीमा रेडी है गाइस, कढ़ाई खीमा है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कढ़ाई खीमा बोल सकते हैं, भुना खीमा बोल सकते हैं, सूखा खीमा बोल सकते हैं गाइस, अपनी मर्जी है ना। ये हमारा झटपट खीमा रेडी है, आप भी हमारी स्टाइल में ज़रूर बनाना और हमें लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। चलिए अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस दोनों मस्ती कर रहे हैं, फारिया और हुरैन है ना, है ना। हाँ बॉल खेलते, क्या कर रही, खेली ये हानो का कला, ये हानो खिलौना खेल रहा हानिया, ये हानिया, हानिया खेल रही है, ये हानिया खेल रही है, तो गाइस हम लोग गए थे मेरी मम्मी के घर पे है ना, फारिया हुरैन सब मस्ती कर रहे थे, हानो पापा भी मस्ती कर रहा था ना, है ना। बोलो, फारिया ने मस्ती करी खूब, मेरी मम्मी 11 किताब पढ़ा रहे थे, हम लोग गए थे गाइस है ना फारिया, बोलो। हम लोग जाके आ गए, तो गाइस हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताओ, बोल फारिया, हमें लाइक शेयर और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो गाइस। फारिया को तो बहुत नखरे आ रहे हैं, देखो कैसी तरह आ रही है। चलिए गाइस इसी के साथ में ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।